तो हे मेरे एनिमेशन एरे की जनता, तो अभी के टाइम पे काफी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि डोरेमोन और शिनचैन की कुछ तो अपडेट दो यार, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि न्यू मूवी द एपिसोड कब आने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पता चल जाएगा। बाकी यार, क्या आप सभी को यह बात पता है कि हम अपने चैनल एनिमेशन एरे पे कुछ नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यार बहुत सारे लोग मिस कर देंगे अगर वो एनिमेशन एरे को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मस्ट कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, ताकि वो न्यू सीरीज में जल्द से जल्द ले आऊं, जहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, काफी मजा आएगा। तो इस बात को साइड करते हैं और बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। तो अभी के टाइम पे डोरेमोन की ये न्यूज निकल के आ रही है कि सोनम कौशल ने जब डोरेमोन की न्यू वॉइस आर्टिस्ट का पॉडकास्ट किया था, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पे मेरे पास अभी भी काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई हमें ओल्ड वॉइस देखनी है, हमें ओल्ड वॉइस लेके आओ ना भाई, कुछ कैंपेन निकालो ना। तो यार उस पॉडकास्ट में ये कंफर्म हुआ कि ओल्ड वॉइस तो नहीं आने वाली, क्योंकि ओवरऑल सोनम कौशल जो कि डोरेमोन की ओल्ड वॉइस है, वो अब आई थिंक फुल टाइम पॉडकास्ट या फुल टाइम यूट्यूबर बन चुकी हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल संभाल रही हैं। और उसी पॉडकास्ट में जो डोरेमोन की न्यू वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म करी कि वो लोग आगे डोरेमोन की मूवीज और सीरीज जो भी आप सब देखना चाहते हो, सारी वही लोग डब करेंगे। और वहाँ पे उन्होंने ये भी बात किया, टाइम के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं और लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज यार वो लोग ये भी बात कर रहे थे कि उनको कितना ज़्यादा हेट मिलता था जब भी डोरेमोन का न्यू एपिसोड आता था, या फिर लोगों को पता चलता था कि डोरेमोन की न्यू वॉइस के पीछे इन लोगों का हाथ है। तो यार लोग उनको जाके काफ़ी हेट कर थे, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि यार ऑफ कोर्स वो तो अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन यार आप लोग भी कमाल के हो। हमको तो यार जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को न्यू की तरफ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि यार देखो अभी कोई और रास्ता नहीं है। हम तो बस यही बोलेंगे कि यार डोरेमोन इंडिया में पॉपुलर हो, ज्यादा ही ज्यादा टेलीविजन पे न्यू एपिसोड या फिर न्यू मूवीज आए, मैं तो यही चाहूंगा। बाकी वॉइस की करें बात, तो हाँ वॉइस अच्छी होनी चाहिए, भले ही चेंज हो गई लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ताकि देख के हमें वो नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो चलिए बात करते हैं सोनी ये की। तो जैसे कि मैंने आप सभी से अभी ये बात कही थी कि सोनी ये बिल्कुल पागल हो चुका, यानी ठेका ही ले रखा है यार उसने शिनचैन की नई नई मूवीज लाने का। तो हाँ, मैंने जैसे कि पहले अपनी वीडियोस में कहता हुआ आ रहा हूँ कि सोनी ये अभी मूवी नहीं ला रहा है, जिसके पीछे यही एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि एग्जाम्स। अभी के टाइम पे काफी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, या फिर कह लो काफी सारे स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफी स्टूडेंट के लिए। और ऑफकोर्स यार एज अ किड चैनल, या फिर कह लो कि सोनी ये, जिसको पता है कि उसकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो कहाँ से आती है, तो यार वो कोई रिस्क नहीं लेगी कि एग्जाम टाइम में कोई मूवी ले आए। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको न्यू ईयर में या फिर 2025 के फरवरी में या फिर हाँ दिसंबर के लास्ट में, जब यार मैक्सिमम स्कूल के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब आपको शिनचैन की न्यू मूवीज देखने को मिल सकती है। और मैंने एक चीज़ कंफर्म आपको बता दिया था कि शिनचैन की मूवी स्ट्राइक बैक, जो कि बहुत ही औसम मूवी है अडल्ट स्ट्राइक बैक, वो डब हो रही थी, क्योंकि सोनम कौशल ने खुद ही उसके आसपास की रील डाले थे, आप लोग खुद ही उनके ऑफिशियल अकाउंट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वो मूवी भी अभी नहीं आई है, जो कि ऑफिशियली डब हो चुकी है जहां तक मुझे लगता है। बाकी यार आप लोग का क्या कहना है कि यार अब स्ट्राइक बैक आने के बाद सोनी तो कंफर्म ही शिनचैन की जो नई मूवी जो कि 2024 में आई थी, यानी डांस और डायरीज, वो तो लाने ही वाला है। बाकी बहुत कुछ चीज़ें आगे, काफ़ी मज़ा आएगा, बस आपको थोड़ा वेट करना है। बाकी आपको कुछ अगर इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अच्छा लगा होगा, तो यार वीडियो को शेयर करना। और हाँ, शेयर करने के साथ साथ फैला देना, अपने दोस्तों को बता देना कि अपकमिंग काफ़ी अच्छे कंटेंट आ रहे, तो उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डाटा बाय और सायोनारा।